बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम प्याज़ के फील्ड में मौजूद हैं और आजकल हर फार्मर जो है वो प्याज़ के मामले में बड़ा परेशान है। थ्रिप्स कंट्रोल नहीं हो रही। माशाल्लाह प्याज़ का रेट भी मार्केट का बहुत अच्छा जा रहा है। इस वक्त 3000 रुपये 40 kg है। तो प्याज़ की फसलें तो माशाल्लाह लोगों ने बड़ी मेहनत की है, लेकिन थ्रिप्स जब आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो बहुत सारे मसाइल आते हैं। ठीक तरीके से बल्ब नहीं बनेगा, पत्ता जब सेहतमंद नहीं होगा तो मसाइल तो होते ही हैं। तो आज हम थ्रिप्स कंट्रोल के लिए आपको बताएं कि कौन सी आप स्प्रे करें और थ्रिप्स आप कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले तो थ्रिप्स चेक करने का जो तरीका कार है प्याज़ में वो देखें। ये देखें, साथ लें जी। तो ये पौधा है प्याज़ का, तो इसका नज़दीक लें बिल्कुल। ये इसके गाचे में जा गाचा खोलना है ऐसे। तो ये देखें, ये ब्राउन कलर के जो इंसेक्ट हैं ये पड़े हुए हैं। ये भाई नज़दीक ले आ, ये देखें, ये ब्राउन कलर के जो है इंसेक्ट पड़े हुए हैं, तो इनको जो है वो थ्रिप्स कहते हैं। तो थ्रिप्स का जो फार्मूला है इसके लिए, वैसे तो थ्रिप्स के लिए जो जहर है वो क्लोरोफिनापायर है या सवात एग्रो का जैसे पाइरेट है, उसका स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन जो दो स्प्रे हम करवा रहे हैं तो माशाल्लाह उसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। पहले नंबर पे हम पिंक कमीडा 80 ग्राम और साथ फिप्रोनिल 480 ml फी एकड़ जो है वो हम करवा रहे हैं, तो माशाल्लाह इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। और ठीक 5 दिन बाद फिर आपने स्प्रे करना है 200 ml क्लोरोफिनापायर और साथ ही लेमडा जो है वो 150 ml वो स्प्रे करें 1 एकड़ पर, तो माशाल्लाह उसके भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। तो इसका और स्प्रे की जो टैंकियाँ 20 लीटर वाली तकरीबन जो है वो 6 से 7 लगानी चाहिए एकड़ में। तो अगर आप ये दो स्प्रे करते हैं ठीक 5 दिन के वक्फे से, तो माशाल्लाह आपको वो प्याज की जो है वो थ्रिप्स आप बेहतरीन तरीके से ख़त्म कर सकते हैं जी। थैंक यू वेरी मच।